फ्रेंड्स, यह हमारे पास एक शिविंग मशीन है, या आप इसे टेलर स्टिचिंग मशीन भी कह सकते हैं। इस मशीन की जो फील्ड कॉइल है वह बॉडी हो चुकी है। तो किस तरह से इस मशीन के फील्ड कॉइल को बनाया जाएगा? फील्ड कॉइल बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने देना होगा, कितने SWG वायर का हमें यूज़ करना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस मोटर का डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए 50 वॉट की यह मोटर है और 8600 RPM इस मोटर का हमें हमारे पास है। सबसे पहले हम इस मोटर की चेकिंग कर लेते हैं। देखिए सीरीज बल्ब की सहायता से चेकिंग कर रहे हैं। देखिए सीरीज में क्या होना चाहिए, इसकी जो दोनों प्लग है दोनों प्लग पर सीरीज बल्ब ने ग्लो करना चाहिए। देखिए एकदम परफेक्ट है, बॉडी के साथ इसने ग्लो नहीं करना चाहिए, बट ये बॉडी के साथ भी ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स इसकी जो वाइंडिंग है वह बॉडी हो चुकी है। अब ये मोटर को यदि हमें सही से चलाना हो तो यहाँ पर हमें इसके फील्ड कॉइल को चेंज करना होगा। सबसे पहले मोटर को ओपन करने के लिए दोनों ही कार्बन ब्रश को हमें यहाँ से रिमूव कर लेना है। यहाँ पर 8 की टामी की सहायता से दोनों बोल्ट को हमें खोल लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही आसान तरह से आपको समझाएंगे। देखिए दोनों बोल्ट को यहाँ से हमें रिमूव कर लेना है। अभी यहाँ से हल्का सा आपको पीछे से इसे हल्का सा ठोकना होगा। चलिए हम इसे ठोक कर इसका जो देखिए यहाँ से ये कवर है, इस कवर को पहले हम रिमूव कर लेते हैं। देखिए इसका आर्मेचर और जो बैरिंग है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी हमें इसकी जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल को फिर से चेक कर लेते हैं सीरीज बल्ब की सहायता से। देखिए प्लग पर और बॉडी पर लगाने पर बल्ब ने ग्लो नहीं करना चाहिए, बट यह बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स इसकी जो फील्ड कॉइल है वो डैमेज हो चुकी है। चलिए सबसे पहले हमें इस फील्ड कॉइल को रिमूव करना होगा। तो फील्ड कॉइल को रिमूव करने के लिए इस बोल्ट को आपको खोल लेना है। चलिए पहले हम इसे लूज कर लेते हैं दोनों ही तरफ के बोल्ट को। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से दोनों ही बोल्ट को हमें खोल लेना है। अभी इसे प्लायर की सहायता से, देखिए प्लायर की सहायता से पकड़कर इस तरह से आपको हल्का हल्का से इसे रोटेट करना होगा। हल्का हल्का सा रोटेट करने से ये यहाँ पर लूज़ हो जाएगा। लूज़ होने पर यह काफ़ी आसानी से खुल जाएगा। इसे आप हल्के हाथ से ही ओपन कीजिए, क्योंकि जो कार्बन ब्रश होल्डर होते हैं होल्डर इन्हीं बोल्ट पर टाइट होते हैं। देखिए अब होल्डर हमारे आसानी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि वो उन बोल्ट के ऊपर था। तो बोल्ट को आपको हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, हल्के हाथ से होल्डर को बाहर कीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने इसका बैक कवर भी यहाँ से रिमूव कर लिया है, होल्डर भी यहाँ से रिमूव हो गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसके दो वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दो होल्डर नज़र आ रहे हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, दो वायर और दो होल्डर, क्योंकि जब हम कनेक्शन करें तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए फील्ड वाइंडिंग का ये जो सेक्शन है, सेक्शन को हमें बाहर कर लेना है। हल्का सा आपको इसे प्रेशर लगाकर ठोकना होगा तभी यह बाहर आएगा। देखिए हल्का सा आपको प्रेशर लगाकर इसे ठोकना होगा। देखिए इस तरह ये सेक्शन आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हमारी हैंड पोजीशन किस तरह से है, किस तरह से ठोका जा रहा है। देखिए इस तरह से हमें प्रेशर लगाकर यहाँ पर देखिए इस वाइंडिंग सेक्शन को बाहर कर लेना है। अब चूंकि हमारी यह जो वाइंडिंग है यह बॉडी हो चुकी है, चलिए पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसे यदि हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कोने में, देखिए यहाँ पर हमारी जो वाइंडिंग है वो बॉडी हो चुकी है। कोने में आप देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हमारी जो वाइंडिंग है ये बॉडी अर्थ हो चुकी है, जिसके कारण हमारी मोटर रन नहीं कर रही है। सबसे पहले एक बार इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए एक वायर बॉडी पर लगाया और एक टर्मिनल पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स यह जो कॉइल है यह बॉडी हो चुकी है। तो हम दोनों ही कॉइल को रिप्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर चाहे ये केबल टाई से भी कसा हुआ हो सकता है या फिर किसी कपड़े से, तो आप इस गार्ड को काट लीजिए और वाइंडिंग को बाहर कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने वाइंडिंग को बाहर कर लिया है। इधर का सेक्शन की वाइंडिंग को भी हमें इस तरह से पहले इसकी कटिंग कर लेना है और ये काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। कई केस में क्या होता है, ये केबल टाई से कसा हुआ होता है तो भी आप इसे काफ़ी आसानी से बाहर कर सकते हैं। देखिए अभी हमने वाइंडिंग सेक्शन और कार्बन ब्रश होल्डर सेक्शन को बाहर कर लिया है। अभी हमें वाइंडिंग करने के लिए बर्मा तैयार करना होगा और बर्मे में हमें वाइंडिंग करना होगी।
देखिए सेम साइज की आपको वाइंडिंग करना है, ज़रा भी कोयल छोटी या बड़ी नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए कोयल हमारी कोने में से यहाँ पर बर्नट हुई थी, आपको जब आप वाइंडिंग करें तो बर्मा आपका सेम साइज का होना चाहिए, कोयल ने ज़रा भी छोटी बड़ी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। पहले आप इसका मेजरमेंट कर लीजिए, करीब 1.5 इंच में एक सूद इसकी चौड़ाई है, और इसके अंडरग्राउंड आप इनर डाया देख सकते हैं, 1.5 इंच और एक सूद है। देखिए इस तरह से आप इसका मेजरमेंट पहले ज़रूर ले लीजिए, और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप बर्मे को तैयार कीजिए। देखिए बर्मा भी हमारे पास सेम साइज का है, बर्मा आपका सेम साइज का होना चाहिए, कॉयल में आपको ज़रा भी कॉयल छोटी या बड़ी नहीं हो इसका ध्यान रखना है। देखिए कॉयल जो रहेगी यदि हम बर्मे में लपेटते हैं तो इस तरह से हल्का सा बाहर रहेगा, देखिए हल्का सा बाहर होते हुए कॉयल इसमें लपटी जाएगी। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस बर्मे को फिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस बर्मे को अभी हमने फिट कर लिया है। वाइंडिंग करने के लिए हम 26 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में 26 SWG वायर का ही यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 SWG वायर है हमारे पास, ये एल्यूमिनियम वायर है। चलिए एल्यूमिनियम वायर में अभी हमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स देना होगा वो 280 नंबर ऑफ़ टर्न्स हम दे रहे हैं। देखिए 26 SWG वायर से 280 नंबर ऑफ़ टर्न देना है। आप देखिए इसे जब रोटेट करें तो आपको पता होना चाहिए, एक बार इसे रोटेट किया जाता है इस मशीन को तो कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 280 नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें देना है। देखिए इस तरह से 280 नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे हो चुके हैं, अभी इसे हमें बाहर निकाल लेना है। देखिए इसे कॉयल ने आपकी ज़रा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिनिशिंग के साथ बनना चाहिए। देखिए कॉयल को आप पहले बाहर कर लीजिए, देखिए कॉयल ने आपकी डैमेज ना हो, कहीं से भी छोटी बड़ी ना बने, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम यहाँ से कॉयल को रिमूव कर लेते हैं। देखिए कॉयल हमारी यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, सेम साइज की हमें दो कॉयल बनाना है। अभी कॉयल हमारी फिनिशिंग के साथ रहे इसके लिए हम इसे धागा बांध देते हैं। चलिए हम पहले इसका धागा बांध देते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट कॉयल बनकर कंप्लीट हो चुकी है, इस कॉयल में एक स्टार्टिंग सिरा है और एक एंडिंग सिरा है, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। अभी हमें सेकंड कॉयल भी बना लेना है, सेम साइज की 280 नंबर ऑफ़ टर्न देना है। साइज का ध्यान रखिए, नंबर का ऑफ टर्न ध्यान रखिए, 280 नंबर ऑफ़ टर्न हमने दिए हैं। और ये सेकंड कॉयल भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे भी हमें बर्मे से बाहर कर लेना है और इसमें भी एक धागा हमें अच्छे से लपेट लेना है। देखिए हमारी दोनों ही जो फील्ड कॉयल है ये बनकर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब इसमें होल्डर को, कार्बन ब्रश होल्डर को किस तरह से लगाया जाएगा, कनेक्शन के लिए दो वायर किस तरह से बाहर निकाले जाएंगे समझ लेते हैं। देखिए टोटल हमारे पास दो कॉयल बन चुके हैं, इसमें एक स्टार्टिंग सिरा है और एक एंडिंग सिरा है। तो यह है जो देखिए इसका स्टार्टिंग जो सिरा है, स्टार्टिंग सिरे में सबसे पहले आप इसका इंसुलेशन निकाल लीजिए, और स्टार्टिंग सिरे में ही कार्बन ब्रश होल्डर को लगाया जाता है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्टार्टिंग सिरे में ही कार्बन ब्रश होल्डर को लगाया जाता है, सबसे पहले आप इसका इंसुलेशन निकाल लीजिए। इंसुलेशन निकालने के लिए आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, एमडी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंसुलेशन निकालने के बाद कार्बन ब्रश होल्डर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए कार्बन ब्रश होल्डर हमारा लग चुका है, जो जो कार्बन ब्रश होल्डर लगाया इसके ऊपर स्लीव लगा दी है और ये स्टार्टिंग सिरे पर लगाया है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग सिरे पर लगाना है। इसका जो एंडिंग सिरा है, एंडिंग सिरे पर आपको एक वायर ज्वाइंट कर लेना है। चलिए हम इसके एंडिंग सिरे पर एक वायर को पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए इसका एंडिंग सिरे पर सिर्फ आपको वायर ज्वाइंट करना है और स्टार्टिंग सिरे पर कार्बन ब्रश होल्डर लगाना है। इसी तरह से जो सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल में भी आपको कार्बन ब्रश होल्डर जो रहेगा वो स्टार्टिंग सिरे पर ही लगाना है। चलिए यहाँ पर अभी हम इसे लगा लेते हैं। देखिए हमारी यह कॉइल लग चुकी है। चलिए हमारी यह कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्टिंग सिरे पर कार्बन ब्रश होल्डर लगाया है और एंडिंग सिरे पर हमने यहाँ पर सिंपल सा एक वायर कनेक्टर कनेक्ट किया है। चलिए इसके ऊपर अभी हम देखिए यहाँ पर एक कॉटन टेप को भी लगा देते हैं ताकि हमारी जो कॉयल है वो एकदम फिनिशिंग के साथ रहे, तो कॉटन टेप को इस तरह से हमें लगा लेना है। दोस्तों वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए, किस तरह से हमारी हैंड पोजीशन है, किस तरह से कनेक्शन किए जा रहे हैं, इसे आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए इस तरह से कॉटन टेप हमें लगा देना है। चलिए कॉटन टेप हमारी लग चुकी है और इसी तरह से सेकंड कॉयल का भी हमें कनेक्शन कर लेना है। चलिए देखिए दोनों ही कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है,
एक एक कार्बन ब्रश होल्डर लगाया और एक एक सिंपल सा हमने कनेक्टर लगाया। अब इन कॉइल को यहाँ पर देखिए इस स्टेटर में हमें डालना होगा, तो काफ़ी आसानी से देखिए इसके जो दो मुँह है उस मुँह में हल्का सा ये देखिए काफ़ी आसानी से टाइट हो जाएगी। देखिए देखिए हल्का सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपकी वाइंडिंग ने कटना पीटना नहीं चाहिए, कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे की तरफ इसे हमें डाल देना है। देखिए हल्का सा आपको प्रेशर लगाना पड़ सकता है इसे, बट आपको फिनिशिंग के साथ डालना है। देखिए यहाँ पर इस कॉइल को हमने देखिए इस तरह से काफ़ी आसानी से ये फिट हो जाएगी। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है इस तरह से। अभी देखिए इसे हल्का सा आपको ऊपर की तरफ रखना होता है, तो इसमें आपको देखिए कॉटन अभी हम लपेट लेते हैं। आप चाहे तो केबल टाई को भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए हम कॉटन को इसमें अच्छे से लपेट लेते हैं, अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए हल्का सा आपको प्रेशर लगाकर पीछे की तरफ इसे खींचना होगा। देखिए इस तरह से आप चाहे तो केबल टाई भी इसमें लगा सकते हैं। फर्स्ट कॉइल हमारी जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है, इसे आपको अच्छे से टाइट करना होगा, इसका ध्यान रखिएगा ज़रा भी लूजिंग ना रहे। चलिए हमारी फर्स्ट कॉइल यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसकी फिटिंग भी हो चुकी है। अभी हमें सेकंड कॉइल भी इसी तरह से डाल लेना है। देखिए फर्स्ट कॉइल यहाँ डल चुकी है, अभी सेकंड कॉइल इसे आप अच्छे से फिनिश कर लीजिए। देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी फर्स्ट कॉइल डली, अब सेकंड कॉइल को डालना होगा। तो सेकंड कॉइल को देखिए इसका स्टार्टिंग सिरा इधर है, देखिए इस तरफ होल्डर है, तो सेकंड कॉइल का होल्डर भी इसी तरफ आना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा आप। देखिए होल्डर का जो मुंह आना चाहिए वो इसी तरफ आना चाहिए। चलिए इसे भी आपने फिनिशिंग के साथ डाल लेना है। देखिए काफी आसानी से आपकी दोनों ही कॉइल यहां पर डलकर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोनों ही कॉइल हमारी डलकर कंप्लीट हो चुकी है और होल्डर दोनों एक ही तरफ आना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी इसमें भी हमें कॉटन को लगा देना है अच्छे से और पीछे की तरफ करते हुए इसे टाइट कर लेना है। देखिए जिस तरह से पहली कॉइल को हमने किया था उसी तरह से सेकंड कॉइल को भी हमें कर लेना है। देखिए इसे पीछे की तरफ हमें लेना होगा और इसे आपको अच्छे से फुल टाइट कर देना है। देखिए हमारी दोनों ही कॉइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसे आपको अच्छे से टाइट करना होगा, एक्स्ट्रा कॉटन की आप कटिंग कर लीजिए। देखिए दोनों ही कॉइल हमारी डल चुकी है, अब इसे हम फिट कर देते हैं और इस मोटर को रन कर भी देखने वाले किस तरह से रन कर रही है। देखिए दोनों तरफ ये देखिए यहाँ पर जो दोनों कॉइल्स इसके बीच में आपको इस तरह से पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगाना होगा। चलिए पीवीसी इंसुलेशन पेपर हम इस तरह से लगा लेते हैं ताकि जो बॉडी हमारी कॉइल है वो बॉडी नहीं हो। इसके लिए देखिए इंसुलेशन पेपर हमने बीच में लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से वार्निश डाल देना है। वार्निश के डालने से क्या होगा, हमारी वाइंडिंग की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। देखिए वार्निश डालने के बाद इसको आपको कुछ घंटों के लिए आपको इसे सूखने देना है, धूप में रख देना है। चलिए यहाँ पर अभी हमें वाइंडिंग को इसमें फिक्स्ड कर लेना है। देखिए होल्डर और वायर सभी आपको एक ही तरफ रखना है, इसका आपको ध्यान रखिएगा। इसे अभी हमें देखिए हल्का सा जिस तरह से प्रेशर लगाकर हमने इसे निकाला था उसी तरह से प्रेशर लगाकर अंदर डालना होगा। देखिए प्रेशर लगाकर इसमें हम अभी इसे अंदर डाल देते हैं। देखिए हमारी ये फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो कार्बन होल्डर है उसे हमें अंदर यहाँ पर फिट कर लेना है इसमें। देखिए इसमें अभी कार्बन होल्डर हम फिट कर लेते हैं। आपके वायर ने डैमेज ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए होल्डर आपका काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना आपका जो वायर है वो डैमेज ना हो। देखिए ये होल्डर अभी सिंपल से लगे हैं, जब इसमें ऊपर की तरफ वो जो दो बोल्ट लगाए जाएंगे उससे आपका होल्डर जो है वो टाइट होगा। चलिए इसे अभी देखिए हमने अच्छे से फिट कर लिया। दो वायर्स भी है, इन दो वायर्स को बाहर कर लेना है जिसमें हमें सप्लाई कनेक्ट करना होगी 220 वोल्ट लाइन और न्यूट्रल। चलिए इसे अभी हमने फिट कर लिया है। चलिए देखिए अंदर की तरफ कोई कचरा ना रहे, देखिए इसका आपको ध्यान रखना है। अभी ये दो बोल्ट जो आप लगा रहे हैं उन दो बोल्ट से ही
जो होल्डर है वो टाइट रहते, तो इसे आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है, ना ही ज़्यादा लूज छोड़ना है, ना ही ज़्यादा टाइट करना है। यदि आप ज़्यादा टाइट करते हैं तो उस कंडीशन में जो होल्डर है वो ज़्यादा टाइट होने की वजह से अंदर की तरफ दब जाएगा, तो आपको इसे ना ही ज़्यादा टाइट करना है, ना ही लूज छोड़ना है। देखिए इस तरह से आप इसे पहले अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। देखिए बट देखिए सिंपल सा, जब ये टाइट हो जाए इसे छोड़ दीजिए, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए ये हमारी पास, इसे अभी हम टाइट कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों आप वीडियो से आपने कोई यदि नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम कंटिन्यू इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखिए इसे अभी हमने अच्छे से, इसे फ्री रहना चाहिए, आर्मेचर ने ज़रा भी जाम ना हो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए इसे अभी हमने आर्मेचर ने को फ्री रहने के बाद आपको देखिए हल्का सा जाम हो रहा है, तो इसे आप आपके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर इसे हल्का सा प्रेशर के साथ ठोककर इसे फिट कर लीजिए। देखिए हमारी मोटर की जो फिटिंग है वह हो चुकी है। अब इस मोटर को हम रन कर कर भी देखने वाले किस तरह से रन कर रही है, कितना साउंड आ रहा है। देखिए इस तरह से अभी हमारी मोटर की जो है कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। इसमें अभी हमें कार्बन ब्रश भी लगाना होगे। देखिए एकदम ये फ्री होना चाहिए, ज़रा भी लूज ना हो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसमें कार्बन ब्रश हमने दोनों तरफ लगा देना है। कार्बन ब्रश को भी आप चेक कर लीजिए, यदि वो घिस गए हो तो कार्बन ब्रश भी आप रिप्लेस कर दीजिए, अदरवाइज आपके स्पार्किंग होने के चांसेस रहते हैं। देखिए इन दो वायर्स में आपको लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। देखिए पहले सीरीज बल्ब, सीरीज कनेक्शन की सहायता से अभी हम रन करने देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा, बॉडी पर ग्लो नहीं करना चाहिए। देखिए बॉडी पर ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारी जो मोटर है वो परफेक्टली एकदम सही है। अभी देखिए जैसे ही हम इसे पैरेलल कनेक्शन में रन करते हैं, देखिए पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया, देखिए हमारी मोटर जो है परफेक्टली, देखिए काफ़ी स्मूथ यहाँ पर रन कर रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसे हमने रिप्लेस कर दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से शेविंग मशीन की फील्ड कॉइल को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।